दोस्तों क्या आपके इंस्टाग्राम में भी ऐड स्टोरी की प्रॉब्लम आ रही है? जैसे कि अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अच्छी लगती है, उस रील्स को अगर आप अपनी इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाना चाहते हो, वो स्टोरी आपकी नहीं लग रही, या आप कोई गैलरी से कोई वीडियो या पोस्ट जो है वो स्टोरी में लगाना चाह रहे हो, वो भी आपकी जो है वो इंस्टाग्राम की स्टोरी में नहीं लग रही, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में। जैसे कि मैं अपना इंस्टाग्राम जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर करना है क्लिक, अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेंगे 3 डॉट, आपने सिंपली से जो है यहाँ पर क्लिक कर देने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको करना है क्या है, आपको सिंपली से सेटिंग वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेसी का। दोस्तों आपने पहले पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको पता चलेगा कि करना क्या है। आपने यहाँ पर प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपको सिंपली से यहाँ पर करना है क्लिक, स्टोरी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। तो आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये मेरा ऑप्शन जो है वो ऑन है। यहाँ पर ये ऑप्शन दोस्तों आपके ऑन होने चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आपने यहाँ पर चेक करना है कि ये वाला ऑप्शन जो है मेरा ऑन है। उसके बाद में आपने नीचे की तरफ आना है और आपने ये भी देखना है कि ऑन है। अगर दोस्तों आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ऑफ हुआ, तो आपने उसे ऑन कर लेने हैं। मैं जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आपने सिंपली से वैसे ही करना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।